Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Excellent E-Learning Program. आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज. कोई सरफेस जिसमें कोई चार्ज बंद होगा, उस चार्ज की वजह से उस सरफेस में से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो आज हमने उसको डिटरमिन करना है. तो ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि फ्लक्स को हमने डिफाइन भी किया, उसका फार्मूला, उसके केसेस हमने डिस्कस किए हैं. तो एक अहम बात इसके लिए वो ये है कि ये जो फ्लक्स है इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. पॉजिटिव कब होगा? जब हम कहते हैं कि ये फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड है, किसी सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो उसके लिए ये इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में एंटर हो रही होंगी उस वक़्त ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा. तो ये आप याद रखिएगा कि कब इसको हम पॉजिटिव लेंगे और कब हम, यानी एंटरिंग फ्लक्स या आउटवर्ड फ्लक्स. एंट्रिंग के लिए नेगेटिव और आउटवर्ड के लिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे. वैसे देखें अगर हमारे पास कोई इस तरह की सरफेस हो लाइक अ स्फीयर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हो तो नेट फ्लक्स जो है वो इसके थ्रू जो है वो ज़ीरो होगा. वो क्यों ज़ीरो होगा? कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें एंटर हो रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से आउटवर्ड हैं. तो नेट फ्लक्स जो है वो इसके थ्रू ज़ीरो है. लेकिन अगर सिर्फ एंटरिंग फ्लक्स की बात की जाए या सिर्फ आउटवर्ड फ्लक्स की बात की जाए तो वो फिर ज़ीरो नहीं होगा इस सूरत में, राइट? तो ये बात फिर जहन में रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई हमें कोई MCQ टाइप पूछ लेते हैं कि भाई एक स्फीयर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके थ्रू फ्लक्स जो पास कर रहा है वो नेट फ्लक्स कितना होगा, तो इट विल बी ज़ीरो. नाउ अब हम एक स्फीयर ले रहे हैं जिसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू जो है वो इनक्लोज्ड है. ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं. ये जो स्फीयर है हमारा इसका रेडियस जो है वो आर है और अब इस क्यू चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू पास कर रहा होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे. तरीक़ेकार ये है कि हम इस स्फीयर की जो सरफेस है इसको छोटे छोटे n एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे और हर एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. फिर उन तमाम को हम सम अप कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे, यू विल गेट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर. तो जब हम इसको छोटे छोटे n एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एलिमेंट का वेक्टर एरिया पहले का डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN. इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ जो हैं वो पहले एलिमेंट के लिए E1, दूसरे एलिमेंट के लिए E2, तीसरे एलिमेंट के लिए E3 एंड सो ऑन अप टू EN. अब दो बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कि ये जो हमने सरफेस ली है पर्टिकुलरली वो यहाँ पर हमने एक स्फीयर इसको लिया है. तो स्फीयर लेने से दो बड़े अहम हमारे लिए आसानी होगी. दो अहम बातें वो ये, एक तो ये होगा कि हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं होगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा. अब डायरेक्शन, वैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं इक्वल होगी हर एलिमेंट के लिए, वो इसलिए कि ये मसलन यहाँ पर अगर एलिमेंट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन राइट की तरफ होगी, यहाँ ले रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ होगी. लेकिन चूंकि हर एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर सेम है इसलिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है ओवर द एंटायर सरफेस विल बी द सेम. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन, मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू, इसी तरह से अप टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एन, वो सभी इक्वल होंगे, जिनको हम ई कह लेंगे. ये भाई एक रेगुलर शेप्ड सरफेस लेने की वजह से ऐसे हो रहा है. अगर ये एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर होंगे तो फिर ये वैल्यू भी डिफर कर सकती है. लेकिन इस केस में ये सारी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी. नेक्स्ट, अब अगली बात ये करते हैं. जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि ये अगर ये एक एलिमेंट हम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपको दिखा रहा हूँ और इसका वेक्टर एरिया भी दिखा रहा हूँ. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल है, यानी इनके दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है. इसी तरह से कोई भी एलिमेंट आप लेंगे इस एंटायर सरफेस के ऊपर, हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल ज़ीरो रहेगा, ये पैरेलल रहेंगे, राइट. तो भाई ये दो देखें. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कोई इररेगुलर शेप्ड होती तो हो सकता था कि ये किसी के साथ 10 डिग्री का एंगल इनके दरमियान होता, किसी में 30 का होता, किसी में 90 का होता, किसी में ज़ीरो भी होता. लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट आप लेंगे, उसके वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो रहेगा. ठीक हो गया. लो जी, ये अब हम क्या करेंगे कि ये बेसिक फार्मूला जिससे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन भी किया था, इसको यूज़ करते हुए हम हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम उनको ऐड अप कर लेंगे. तो इस तरह से हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है वो आ जाएगा. तो ये भी करते हैं फिर. पहले एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. फाइव वन इज इक्वल टू ई वन डॉट डेल्टा ए वन. डॉट प्रोडक्ट है तो ई वन डेल्टा ए वन कॉस थीटा, थीटा को जीरो कहिए, कॉस जीरो वन होता है. तो ये हमारे पास आ जाएगा ई वन डेल्टा ए वन. अब यहाँ पर मैं ई वन को ई पुट कर रहा हूँ, वो चूँकि मैग्नीट्यूड जो है वो एवरीवेयर इक्वल होगा, तो लिहाजा ये फाइव वन हमारे पास आ गया ई डेल्टा ए वन. इसी तरह से हर एलिमेंट के लिए सिमिलरली फाइव टू ई डेल्टा ए टू, फाइव थ्री ई डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन, फाइव एन इज इक्वल टू ई डेल्टा ए एन. लो जी, ये हमारे पास फ्लक्स आ गए हैं हर एलिमेंट के थ्रू. अब हमने इन सभी को एडअप कर लेना है. तो ये फाइव इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू, फाइव थ्री प्लस सो ऑन, फाइव एन. अब ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं. इन सभी में भाई ई कॉमन है तो ई को कॉमन ले लेंगे. अब ये विद इन ब्रैकेट देखें, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अप टू डेल्टा ए एन. ये जो है ये टोटल एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर. स्फीयर की टोटल जो सरफेस है उसका ये एरिया है, राइट. अब इसको, ये जो हम स्फीयर ले रहे हैं, इसको बिल्कुल आप ऐसे ही कंसिडर कीजिएगा कि जिस तरह से एक फुटबॉल है, छोटे छोटे एलिमेंट से, छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना हुआ है. वो जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो, जैसे उसका हमने कहा कि किसी का वेक्टर एरिया डेल्टा ए वन है, किसी का डेल्टा ए टू, तो उसी तरह इसको कंसिडर कीजिएगा. तो अब ये तमाम एलिमेंट्स के एरिया को जमा करेंगे तो यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, राइट. तो ये भाई हमारे पास फिर इक्वेशन नंबर वन आ गई, फाइ इज इक्वल टू ई ए. इसमें हम e की वैल्यू भी पुट करेंगे और a की वैल्यू भी. e का फार्मूला है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर. और सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का रिलेशन, उसका फार्मूला जो है 4 पाई r स्क्वायर. दिस इज द
सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो भाई ये दोनों वैल्यूज जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इनको हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। तो और सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्यू ओवर एप्सिलन नॉट आ जाएगा। दिस वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, और पर्टिकुलरली यहाँ हमने जो सरफेस कंसिडर की थी वो एक स्फीयर थी। अब हम इस रिलेशन को ज़रा डिस्कस करते हैं, ये जो हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। इस रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक फैक्टर चार्ज है इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दूसरा मीडियम है जिसमें वो चार्ज प्लेस किया हुआ है। ये दो फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है। चार्ज पे किस तरह डिपेंड कर रहा है कि ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा चार्ज इनक्लोज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, और जितना ये चार्ज कम है उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। यूँ कह लीजिए कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड, और एप्सिलॉन नॉट है नीचे। ये एप्सिलॉन नॉट तब है जब मीडियम जो है वो हमारा कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। लेकिन अगर कोई मीडियम होगा तो फिर यहाँ वो एप्सिलॉन आर वगैरह की वैल्यू भी आ जाएगी साथ। तो ये दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज इनक्लोज्ड कितना है और जो मीडियम कौन सा है। एक लेकिन एक बात हमें ये पता चल रही है यहाँ पर कि ये सरफेस की शेप, सरफेस की ज्योमेट्री कह लें आप, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं था कि हमने ये एक रेगुलर शेप्ड सरफेस ली है, वो इररेगुलर शेप्ड हो, वो कोई रेगुलर शेप्ड हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्राइंगुलर हो, सर्कुलर हो, ये सफेरिकल हो, जिस तरह से किसी भी तरह की वट एवर द शेप, कोई भी शेप हो सकती है। तो ये हमें इस रिलेशन से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शेप या ज्योमेट्री ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट? लो जी, अब हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने फाइंड आउट किया है फिर से देखें कि ये किस सूरत में हमने इसको फाइंड आउट किया कि एक हमने स्फीयर लिया और उसके सेंटर के ऊपर ये चार्ज इनक्लोज था। अब इस चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पास कर रहा होगा वो हमने फाइंड आउट किया है, राइट? ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू होनी थी, ये फ्लक्स इंटर हो रहा होता। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है तो ये आउटवर्ड फ्लक्स होना है, तो वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, राइट? डिपेंड करेगा कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी है और यहाँ पर मीडियम कौन सा है जिसमें ये चार्ज प्लेस किया गया है, राइट? इस फॉर्मूले को हमने भाई नेक्स्ट टॉपिक में हमने इसको यूज़ भी करना है, तो इसको फिर याद रखिएगा। फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट हमारा टॉपिक है जी, गॉसेज लॉ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। यूं समझ लीजिए कि ये जो हमारा पिछले टॉपिक में ये जो हमने फार्मूला डेराइव किया था फ्लक्स थ्रू अ सरफेस,
यूँ कह लीजिए कि अब यही एक ला की सूरत इख्तियार कर गया जिसको हम गाज़ेज़ ला कहते हैं। इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये भाई बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए, क्लोज सरफेस लेकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया गया, तो वहाँ से फिर ये पता चला कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, राइट। अब यहाँ पर ये जो क्लोज सरफेस की बात हो रही है, तो ये सरफेस इट मस्ट बी क्लोज्ड, नॉट ओपन सरफेस बट ऑफ एनी शेप, ये किसी भी शेप की हो लेकिन क्लोज्ड होनी चाहिए। तो ये भाई ये जो क्लोज सरफेस हम यहाँ पर लिया करेंगे गाज़ेज़ ला के लिए, तो इसको हम गाज़ियन सरफेस का नाम देते हैं। ये जो क्लोज सरफेस हम इमेजिन करेंगे वो किसी भी शेप की होगी लेकिन इट मस्ट बी क्लोज्ड, राइट। तो ये भाई फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ गाज़ेज़ ला। मैथमेटिकली हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज क्यू, ठीक हो गया जी। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गाज़ेज़ ला। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो ये कोई हम एक सरफेस एस ले रहे हैं जिसमें एन पॉइंट चार्जेस इनक्लोज्ड हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू क्यू एन, एन पॉइंट चार्जेस इसमें इनक्लोज्ड हैं। अब हमने क्या करना है कि हर चार्ज के अराउंड हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि ये जो एक हमने एक सरफेस इमेजिन करना है वो एक स्फीयर लेंगे और हर पॉइंट चार्ज उस स्फीयर के सेंटर के ऊपर लाई करेगा। ऐसा क्यों कर रहे होंगे, ताकि ये जो हमने पिछले टॉपिक में ये जो फार्मूला डिराइव किया था एक स्फीयर लेकर जिसके सेंटर के ऊपर कोई चार्ज इनक्लोज्ड था तो उसकी वजह से हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था, तो इसी को अप्लाई कर सके। तो अब ये Q1 के अराउंड हम जो स्फेरिकल एक सरफेस इमेजिन कर रहे हैं दैट इज़ S1, Q2 के अराउंड S2, इसी तरह Q3 के अराउंड S3 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए अब हर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर सभी को हम ऐड अप कर लेंगे। तो हमारे पास इस सरफेस एस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ऐड अप क्यों करेंगे उसकी वजह समझ लीजिए। उसकी वजह यह है कि मैं आपसे यह कहूंगा कि जितना फ्लक्स क्यू वन की वजह से इस सरफेस S1 में से पास कर रहा है वही फ्लक्स Q1 की वजह से इस सरफेस में से पास करेगा। फिर से सुनिए, जितना फ्लक्स Q1 की वजह से सरफेस S1 से पास कर रहा है वही फ्लक्स सरफेस S में से पास कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्यू वन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एस वन में से पास करने के बाद एस में से पास करेंगी। तो जितनी एस वन में से पास कर रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरी सरफेस एस में से पास करेंगी। इसकी एग्जांपल आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक रूम है
और इसमें ये एक फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, फ्लावर पॉट है कोई, इसमें चले थ्री ब्रांचेज हैं। अब ये थ्री ब्रांचेज आप समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो भाई जितनी अगर हम इनको एक्सटेंड करें आगे, तो जितनी ब्रांचेज इस फ्लावर पॉट में से पास कर रही हैं, वही ब्रांचेस पूरे रूम में से पास कर रही हैं। तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू पास कर रहा है, वही फ्लक्स इस रूम में से पास कर रहा है, राइट? तो दिस इज द रीजन कि हम इनको हम एड अप क्यों करेंगे टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए। तो भाई ये जो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला है, इसको फिर हम अप्लाई करेंगे अब हर पॉइंट चार्ज के लिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो फाई वन क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई टू क्यू टू ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन, फाई एन इज इक्वल टू क्यू एन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारे पास हर छोटे स्फीयर के थ्रू इन तमाम पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है। टोटल फ्लक्स सभी को एडअप कर लेंगे, Q1 वन ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 टू ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन प्लस क्यू एन ओवर एप्सिलॉन नॉट, टेकिंग वन ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन। तो ये विद इन ब्रैकेट जो अब आपके सामने आ रहा है, दिस इज द टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज है जो इनक्लोज था, इसको हम कैपिटल Q कह लेंगे भाई। तो वेयर Q इज इक्वल टू Q1 वन प्लस Q2 टू प्लस Q3 अप टू QN। तो ये भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया जो इस सरफेस S में से पास कर रहा है। तो ये प्रूव हो गया है गाज़ीज़ लॉ, और ये यही है ये जो हमने स्टेट किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।